मैं तो मेरे दादी माँ को लक्की समझता हूँ, क्योंकि जितने भी मेरे व्लॉग हैं उसमें जितने व्लॉग में दादी माँ आए हैं उसमें ज़्यादा ही व्यूज़ है। तो उसमें एक दो भाई की कमेंट थी कि आप अब से गुजराती में ही वीडियो बनाना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने मिट्टी थी वो सब यहाँ पे डाल दी है, जो वहाँ से उठा कर आज सभी घर के लोग काम कर रहे थे तो सभी पशुओं के एनिमल्स पर डाल दिए हैं, पशु बांधने की जगह है। तो अभी चाचा यहाँ पर खेड़ कर रहे हैं ट्रैक्टर की मदद से, और पापा भैया वो सब वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इसमें फिर दूसरा कुछ लगाने की सोच रहे हैं, फिर पहले इसमें पानी दे देंगे। तो आप देख सकते हैं सब मैं यहाँ पर डाल दिए हैं, इस तरफ भी वहाँ पर मम्मी भैंस को पानी पिला रहे हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर भी डाल दिया है सब कुछ। और फिर ये जो बड़े बड़े हैं यहाँ पर बाद में डालेंगे, ये दो फेरा बाद में डालेंगे, पहले इस तरफ सब में डाल दिए हैं। चलने में प्रॉब्लम होती है इसको, क्या कहते हैं, हमारे पशु को वो प्रॉब्लम तो होती है, एक बार वहाँ से छोड़ो पानी पिलाने के लिए वापस नहीं जाते। देखो ये तो मुझे मारती भी है। तो कल के वीडियो में आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मैं तो मेरे दादी माँ को लक्की समझता हूँ, क्योंकि जितने भी मेरे व्लॉग हैं उसमें जितने व्लॉग में दादी माँ आए हैं उसमें ज़्यादा ही व्यूज़ है, एक भी वीडियो में कम व्यू नहीं आए हैं। तो कल के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा व्यू आए हैं और सब्सक्राइब भी बहुत ही ज़्यादा आए हैं। मुझे तो नहीं लगता था कि इतने सब्सक्राइब होंगे इसमें, पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना तो बन के जल्दी से हो जाएंगे, अभी थोड़े से ही बाकी है। तो आज तो काम था, जो पशु बांधने की जगह है वहाँ पर मिट्टी भी डाल रहे थे घर के सभी लोग, तो काम में बिजी थे क्योंकि सब कुछ लगाना होता है, जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेते हैं। फिर भी आज का व्लॉग तो मैंने लास्ट में शूट कर लिया, तो आज का व्लॉग तो हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी अच्छी कमेंट भी आ रही है, तो ऐसे ही कमेंट करते रहना, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है, सब पॉजिटिव कमेंट है। और सब लोग पूछते हैं कि आपका गांव क्या है, ज़्यादातर कमेंट में वही होता है आपका गांव क्या है। तो मैं बता दूँ, मेरा गांव का नाम है बामणासा खेड, जो जूनागढ़ ज़िले के केशोद तालुके में है, वो बामणासा खेड, बामणासा गिर नहीं, बामणासा खेड, दो बामणासा है। तो आज का व्लॉग भी ऐसा है, आप सपोर्ट करोगे आज के व्लॉग में भी तो जल्दी से बन के सब्सक्राइब हो जाएंगे। और आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी तो मैं टेरेस ऊपर आया था, थोड़ा सा काम था, बाकी मस्त पवन चल रहा है अभी तो। अभी 6 बज गए हैं शाम के, थोड़ा लेट वीडियो स्टार्ट किया है लेकिन चलेगा। तो व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए व्लॉग को कंटिन्यू करें। तो अभी आप देख सकते हैं चाचा ने चला लिया है, इतना तो पूरा खेत बन गया, क्योंकि यहाँ पर सब बिखरा हुआ पड़ा था, सब्जियाँ भी लगी थी, मिट्टी भी यहाँ पर थी। तो आज सब कुछ साफ कर दिया है, फिर इसको पानी देंगे हम, फिर इसमें क्या लगाएंगे, जुआर, मक्का या मक्का, तो आगे दिखाते हैं क्या लगाएंगे। आज के व्लॉग में तो नहीं आएगा, जो अगले व्लॉग आएंगे उसमें आएगा।
तो यहाँ पर तेल सुखाने के लिए रखे हैं। इसमें जो कंकड़ी थी छोटी छोटी वो निकाल दी है, उसको पानी में भिगोया था तो मिट्टी है वो भी पिघल कर निकल गई। तो इसे सुखाया है, क्या करना है वो मालूम नहीं मुझे। और टाइगर देखो यहाँ पर सो गया, ये ऐसे चार पाइप पर सो जाता है यहाँ बाहर पड़ी होती है तो, क्योंकि उसको यहाँ पर मजा आता है ना टाइगर, वो ऐसे सो जाएगा। तो जब हम बैठे होते हैं तब वो नीचे सोता है, लेकिन हम नहीं होते तब ऊपर सो जाता है। और यहाँ पर इसका सोने का टाइम हो गया, क्योंकि अच्छे बहुत अच्छा पवन आ रहा है ठंडा ठंडा, इसलिए यहाँ पर ही सोता है ये। और रात में घर के ऊपर वहाँ पर सो जाता है, नीचे टाइल्स लगी होती है क्योंकि टाइल्स ठंडी रहती है रात में, इसलिए वहाँ पर नीचे सोता है। हम सो जाते हैं फिर वो भी सो जाते हैं। मम्मी अब बैलों को सूखा चारा डाल रहे हैं, तो हरा चारा ख़त्म हो गया है। तो जो दो क्यारे हमने करे थे इसमें अभी कुछ लगाया नहीं है, तो अब उसमें ग्रास लगाएंगे। जो नेपियर ग्रास आता है वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो पशु कम खाते हैं हमारी साइड। सबसे हमने पूछा भी है कि वो घास कितना खाते हैं, तो वो तो नहीं खाते, लेकिन वो जो छोटा छोटा होता है ग्रास वो लगाएंगे, जो पहले था भी लेकिन 3-4 साल रहता है फिर बिगड़ जाता है, तो हमने निकाल दिया, फिर से लगाएंगे। तो उसका भी व्लॉग आएगा, वो कल या परसों आएगा, क्योंकि कल ही लगाना है वो। तो भैया नंदिनी को चराने के लिए ले गया था, तो अभी आया है। और कल के व्लॉग में मैं सब कमेंट पढ़ रहा था, तो मैं एक ही नहीं पढ़ता, लेकिन मम्मी पापा भैया सब पढ़ते हैं, और वो भी कहते हैं बहुत ही अच्छी कमेंट आ रही है, तो ऐसे ही कमेंट करता रहना। तो उसमें एक दो भाई की कमेंट थी कि आप अब से गुजराती में ही वीडियो बनाना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर मैंने सोचा कि मैं हिंदी में ही बनाऊंगा कभी कभी, जैसे कि 8 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार गुजराती ब्लॉग डालूंगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स अच्छा है सबका। तो ज़्यादातर देखने वाले लोग तो गुजराती के ही है, हिंदी के कम है। तो पहले से मैंने स्टार्टिंग में हिंदी में ही स्टार्ट किया था, इसलिए गुजराती में अब नहीं कर सकता। और जो मेरे हिंदी के सब्सक्राइबर्स है, तो उसके लिए मुझे हिंदी में ही व्लॉग बनाना होगा, तो हिंदी में ही व्लॉग डालूँगा कभी कभार, गुजराती में व्लॉग आएगा। और कल मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए आप सबको थैंक यू, आप सबका जितना आभार मानूँ उतना कम है। मुझे बहुत ही खुशी हुई, मुझे एक को नहीं सबको इतनी खुशी हुई, मम्मी पापा को भैया को। तो अभी तो भैंस का मिल्किंग होने वाला है, आज थोड़ी सी देर हो गई ब्लॉग बनाने में क्योंकि काम था। तो ये है हमारा मकान पीछे, इसमें अभी कुछ करवाया नहीं है, 3-4 साल पहले ही बनवाए थे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं करवाया, अभी तो उस घर में रह रहे हैं। इसमें प्लास्टर वो सब करवाना है, लेकिन बाद में जब टाइम मिलेगा तब। तो चलिए व्लॉग को कंटिन्यू कीजिए, और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जल्दी से 1K हो जाएंगे हमारे। तो अब यहाँ पर कुछ लगाएंगे वेला सब्जी जो लगाना होगा, इसलिए वहाँ पर पाड़ बना दी है, इतने में जो लगाना है वो लगा सकते हैं। और अभी यहाँ पर हो रहा है भैंस का मिल्किंग।
तो हमारे बछड़े को ये हरा घास बहुत ही पसंद है जो हम खेत में से लाए थे इतना इसके लिए। ये खेत में जो एक्स्ट्रा वो निकलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ये बिन जरूरी कहलाता है, तो हम इसको तो निकाल देते हैं पर इसके लिए इसको खिलाने के लिए लिए तो बहुत ही पसंद आता है उसको। और वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी यहाँ इधर उधर सब में डाली है जैसे कि कीचड़ ना हो, यहाँ से चलने का रास्ता है तो कीचड़ ना बने। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और आज का व्लॉग हम यहाँ पर ही एंड करेंगे, मिलते हैं किसी कल के व्लॉग में। तो आपके लिए मैं ट्राई ही करता हूँ कि अच्छा अच्छा व्लॉग डालूँ, मैं जितना बन सके उतना ट्राई करता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि व्लॉग कैसा लग रहा है, वैसे तो कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं लेकिन एक कमेंट वो भी कर दीजिएगा कि व्लॉग कैसा लग रहा है। वैसे करते हैं सब लोग नाइस व्लॉग नाइस वीडियो, तो ऐसे ही बस हमें सपोर्ट करते रहना तो हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ही खुशी होती है कि जब आपकी कमेंट आती है, मैं वीडियो अपलोड करने के बाद डायरेक्ट कमेंट आने की राह जोता हूँ कि कब कमेंट आए, और सबको मैं रिप्लाई भी देता हूँ, ऐसा नहीं है रिप्लाई नहीं देता। तो कमेंट करिए, मैं रिप्लाई भी दूंगा। और आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जवान जय किसान जय भारत जय हिंद। और ये जय जवान जय किसान का तो इसी के लिए बोलता हूँ कि जवान होते हैं वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, और किसान है जो देश का पेट भरते हैं। तो किसान की और जवान की हमेशा रिस्पेक्ट करना, जैसे मैं भी एक किसान ही हूँ। तो आज का व्लॉग यहाँ पर ही एंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।